हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन जसमीत क्लासेस। तो जैसा कि हमने एक साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी आपकी क्लास टेंथ के लिए, उसके अंदर हमने एक मॉड्यूल अभी तक कर लिया है। तो आज जो हम आपका मॉड्यूल करने जा रहे हैं वो है मॉड्यूल नंबर 4, यानी कि सेकंड पार्ट हम इसका करने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो ये हम अपनी इसके ऊपर शूट कर रहे हैं वो आपका रहेगा मॉड्यूल 4। और ये मॉड्यूल 4 के अंदर, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, 7 चैप्टर्स हैं आपके, और ये 7 चैप्टर कंटेन करेंगे 15 मार्क्स के। तो आपको उन 7 चैप्टर में से क्या पढ़ना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो 2 या 3 पार्ट्स के अंदर आपकी ये वीडियो रहेगी। तो इसको पहले, सबसे पहले जो इसके अंदर डेफिनेटली आपका जो अभी 5 या 10 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, उसके अंदर आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। बस आपको 2 वीडियो देखनी है और आपके 15 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कौन सा मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 4 है, जिसके अंदर आपके टोटल 7 चैप्टर कंटेन करेंगे। तो ये मॉड्यूल है वो किसके बारे में है, सबसे पहले जो इसके अंदर ये जो पूरा मॉड्यूल है ये 4 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट पार्ट तो है आपका वर्क यानी कार्य, सेकंड पार्ट इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर आपका रहेगा एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और थर्ड पार्ट आपका रहेगा लाइट यानी प्रकाश, और फोर्थ पार्ट है आपका साउंड। तो इन्हीं 4 पे आपके क्या बनते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो वन वन करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज वाले पार्ट में अभी जो हम पार्ट करें इसमें सबसे पहले वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो वर्क क्या होता है यानी कि कार्य क्या होता है, देखो कार्य क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको बोर्ड पे मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मटेरियल आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको बेसिक कंसंट्रेट करना है समझने के ऊपर। तो कार्य होता क्या है, कार्य क्या होता है, जब भी किसी वस्तु के ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हो और वो वस्तु क्या करती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है। सपोज कीजिए, जैसे इसको समझने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर क्या किया आपने, कोई बल लगाया, कोई फोर्स लगाया इस बॉक्स के ऊपर, अप्लाइड फोर्स जिसको आप बोलते हो, कोई बल लगाया जिसकी वजह से ये बॉक्स ए पॉइंट पर रखा था, जिसकी वजह से ये बॉक्स क्या करेगा, चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब मूव करेगा, और मूव करके वो किस पॉइंट पर आ जाता है, बी पॉइंट पर आ जाता है। मतलब इसने क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, या मैं कह सकती हूँ इसने कुछ ना कुछ दूरी तय की, इसने कुछ ना कुछ विस्थापन किया। तो ये बॉक्स क्या था, ए बिंदु पे रखा हुआ था, अब ये बॉक्स कहाँ पहुँच गया, बी बिंदु पे पहुँच गया। कब पहुँचा, जब आपने कुछ ना कुछ इसके ऊपर बल लगाया। तो जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल अप्लाई करते हैं या किसी वस्तु के ऊपर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वस्तु के अंदर क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, या वो वस्तु के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, या वो ऑब्जेक्ट आपका कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स या फिर बल कहते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन देखनी है इसकी, जो कि 101% ये वर्क आपका 3 मार्क्स का अभी तक सब एग्जाम्स में आता रहा है, जो मैंने ये बोर्ड पर सब लिखा हुआ है आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेफिनेटली पेपर में जाके चेक कर लेना, आपको 3 मार्क्स का इसी बोर्ड के अंदर से पेपर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके पहले तो क्या आता है, वर्क का क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज वर्क, एक तो क्वेश्चन आता है आपका कार्य क्या होता है, पेट क्वेश्चन इनका हर साल आता है, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, मैं भी आपको क्वेश्चन बता भी दूंगी कब कब आया हो। व्हाट इज़ वर्क, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद सेकंड इनका पेट क्वेश्चन है इनका वर्क का सूत्र, वर्क का क्या सूत्र है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क, कार्य का सूत्र। थर्ड क्वेश्चन इनका जो हर बार आता है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का आपको एसआई मात्रक भी बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके हर बार आया हुआ है 2 या 3 नंबर में, तो आपका 3 नंबर में इस बार यहाँ से जरूर आने वाला है। तो वर्क होता क्या है, कार्य क्या होता है, कार्य इज डिफाइंड एज, मतलब वर्क इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। कहता है कार्य क्या होता है, जो कहता है कार्य होता है, कार्य वो होता है जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, मतलब हम क्या करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब आगे की तरफ चल जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कहता है जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है, फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है किसका, बल और दूरी का, या बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसको हिंदी में कैसे देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य को वस्तु पर आरोपित बल, मतलब जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हो और उसके द्वारा तय की गई दूरी, जब आप बल लगाओगे तो वस्तु कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, उसी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य को परिभाषित हो गया। अब कार्य का सूत्र क्या होता है, वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, वर्कडन को कैसे लिखते हो, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, या आप इसको क्या कह सकते हो, कैसे लिखते हो, कार्य बराबर है बल गुना में दूरी। अब कार्य को किससे डिनोट किया जाता है, W से, फोर्स को किससे डिनोट किया जाता है,
एफ से, मतलब बल को किससे निरूपित किया जाता है, एस से। दूरी को या डिस्टेंस को किससे दर्शाया जाता है, एस से। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू में एस। यहाँ से आपके हो गए हैं दो नंबर पक्के, इतना ही आपका क्या आएगा दो नंबर में। अब उसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि जो कार्य है उसका एसआई मात्रक बताइए। तो आपका जो कार्य है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। यह आपको याद रखना है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, जिसे क्या किया जाता है, जे से दर्शाया जाता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, जिसे जे से दर्शाया जाता है। ये हर बार पूछा गया आपसे। और या फिर आप किसको कार्य का एसआई मात्रक को कैसे परिभाषित कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको कार्य को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो। तो होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताती हूँ कि जो आपने अभी तक पढ़ा है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो वर्क है उसको आपने क्या डिफाइन किया, वर्क को कैसे डिफाइन किया आपने, बल गुना में विस्थापन, यही डिफाइन किया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं आपके और 101% बनेंगे। तो आपको ये ध्यान से देखना है ये वाला पार्ट, क्या कि वर्क डन यानी कार्य किसके बराबर होता है, फोर्स गुना में विस्थापन के बराबर होता है। एक तो वो सिंपल पूछ लेता है कार्य का एसआई मात्रक, तो आप क्या बता दोगे, जूल, जिसे जे से दर्शाया जाता है, ये क्या है, कार्य का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, अलग मॉड्यूल का कहानी है ये, पर फिर भी पूछ लेते हैं फोर्स का, बल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक किसका, बल का या फोर्स का, फोर्स का या बल का आपका एसआई मात्रक जो रहेगा वो क्या होता है, न्यूटन। और ये इसका सीजीएस मात्रक भी पूछते हैं, किसके सीजीएस मात्रक की बात करें, बल के, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है आपका, ठीक है। और ये दूरी या विस्थापन का सीजीएस, दूरी या विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, मीटर। तो अगर आपसे सिंपल पूछा जाए, एक तो बल कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, दूसरा कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वर्क, बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूँ फोर्स इंटू में डिस्टेंस, या मैं कहूँ बल गुना में दूरी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, न्यूटन गुना में मीटर। तो ये भी गलत नहीं है, अगर आप न्यूटन मीटर दिखाते हो तो ये भी क्या है, एसआई मात्रक है कार्य का, कार्य का एसआई मात्रक। तो न्यूटन मीटर भी कार्य का एसआई मात्रक है और जूल भी कार्य का एसआई मात्रक है, तो ये दो एसआई मात्रक हैं। तो आपके यहाँ से क्या हो गए, तीन मार्क्स डेफिनेटली पक्के हो गए हैं। क्यों, क्योंकि दो मार्क्स में तो क्या पूछेगा वो, कार्य की परिभाषा, मतलब क्या पूछेगा दो मार्क्स में, वो वर्क की डेफिनेशन, और एक मार्क्स में क्या पूछेगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। मुझे 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एनआईएस का, तो उसी के बेस पे कह रही हूँ, आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें और आप डेफिनेटली आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आपके 3 मार्क्स पक्का हो जाएंगे, 2+1, कैसे वर्क आएगा 2 मार्क्स में, और 1 मार्क्स में क्या आएगा आपका, कि एसआई यूनिट, क्लियर। यस एवरीवन, तो हमने अभी देखा क्या कि वर्क का कार्य का एसआई मात्रक दो हो सकते हैं, एक तो कार्य का एसआई मात्रक जूल हो सकता है, दूसरा कार्य का एसआई मात्रक क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर। ये दो एसआई मात्रक आपसे पूछ लिए जाते हैं। और एक मार्क्स का आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है जो पिछली बार आया हुआ है, फोर्स का एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, और बल का सीजीएस मात्रक क्या रहेगा, अर्ग रहेगा। तो ये तो था आपके सारा वर्क के बारे में। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्क है वो पॉजिटिव कब होगा, मतलब जो कार्य है वो कब धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, कब आपका कार्य ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है, और कब आपका कार्य जीरो हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु पे, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, क्या कर रहे हो आप, किसी भी वस्तु के ऊपर क्या लगा रहे हो, कोई बल लगा रहे हो। जैसे कि इसको आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने इस वस्तु पे बल लगाया, ये कोई वस्तु है, कोई बॉक्स है, इसके ऊपर आपने बल लगाया यानी कि फोर्स लगाया, ठीक है। तो आपकी वस्तु भी क्या करेगी, इसी दिशा में क्या करेगी, विस्थापन करेगी या कुछ दूरी तय करेगी। मान लीजिए वस्तु भी यहाँ पे है,
जैसे ही आपने बल लगाया, ये वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई, तो इसने क्या किया, इसी डायरेक्शन में, इसी दिशा में दूरी तय की, तब आपका वर्क डन क्या हो जाएगा यानी कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या लिखा है, व्हेन बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होता है, आपका कार्य क्या होता है, घनात्मक या पॉजिटिव होता है। अब आप क्या करो, ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट, जब आपका कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब केस नंबर टू की बात करते हैं, जब आपने क्या लगाया, बल तो इसी दिशा में लगाया, बल क्या लगाया आपने, इसी दिशा में लगाया, पर विस्थापन क्या हो रहा है, दूसरी दिशा में हो रहा है। जब क्या हो, बल आप ऐसे लगा रहे हो पर विस्थापन कैसे हो रहा है, दूसरी दिशा में हो रहा है, अपोजिट दिशा में हो रहा है, विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन या ऋणात्मक कार्य। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब बल की दिशा विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करती है, मतलब बल की दिशा क्या है, इस साइड, और विस्थापन क्या हो रहा है, अपोजिट साइड में, तब हम क्या कहते हैं कि कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो आपकी, अपोजिट हो, तो आपका कार्य क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये था आपका सारा कार्य के बारे में, जहाँ से आपके 3 मार्क्स डेफिनेटली पक्के होने वाले हैं। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 4 पार्ट से मिलके बनी है, तो इसका सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या होता है इसका, एनर्जी, किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है आपकी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपकी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है जो आपकी, अब हम किसके बारे में सारी डिस्कस करेंगे, एनर्जी के बारे में, किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में। तो एनर्जी या ऊर्जा क्या होती है आपकी, एनर्जी या ऊर्जा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी या ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आपको चलना है तो आपके अगर एनर्जी इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको 2 दिन से खाना ना मिला हो, मैं कहूँ कि 2 दिन से मैंने आपको खाना नहीं दिया और मैं कहूँ आपको कि दौड़ लगा के आओ, तो मे बी आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा टास्क। आप चले भी जाओगे तो थोड़ा सा चलते ही रुक जाओगे। तो जो काम करने के लिए, मतलब आपको रनिंग करने के लिए क्या चाहिए, आपकी बॉडी में कुछ होना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी में फूड होना चाहिए। तो जो काम करने के लिए आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है, आपकी ऊर्जा होती है। तो मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है। मतलब ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चंस 1 मार्क्स का यहाँ से आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है आपका, ये आता है SI यूनिट ऑफ एनर्जी, बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में। हर बार क्या होता है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि SI यूनिट ऑफ एनर्जी भी क्या होता है, जूल, और कार्य या वर्क की, अभी हमने देखा कार्य और वर्क की SI यूनिट भी क्या थी, जूल, क्लियर। या फिर आप इसकी यूनिट क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर, राइट। तो कार्य की SI मात्रक भी सेम और एनर्जी का, ऊर्जा का SI मात्रक भी क्या है आपका, सेम। और ये 1 किलोजूल कई बार पूछ लेते हैं, 1 किलोजूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 किलोजूल कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोजूल आपका 1000 जूल के बराबर होता है। तो आपको यहाँ से डेफिनेशन मिल गई 1 मार्क्स की। 1 मार्क्स का आपको मिल जाएगा कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। उसके बाद देखो, वैसे तो जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी तरह की होती है, मतलब आपकी जैसे ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी भी आपकी ऊर्जा है, मतलब जिसको आप गतिज ऊर्जा बोलते हो, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भी आपके एक तरह की ऊर्जा है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है जिसे आप सौर ऊर्जा कहते हो, या सोलर एनर्जी भी क्या आपकी एक ऊर्जा है, और केमिकल एनर्जी, रासायनिक भी आपकी एक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा जिसे आप बोलते हो केमिकल एनर्जी, और बहुत सारी ऊर्जा की फॉर्म है, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पर हम जो मेन आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो कौन सी पूछी जाती है, 2 ही ऊर्जा पूछी जाती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा, और दूसरी पूछी जाती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब इनके बारे में भी क्या पूछा जाता है, 1-2 न्यूमेरिकल आ जाता है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे m की वैल्यू दे देंगे, v की वैल्यू दे देंगे, और आपको फॉर्मूला लगा के पुट करना होगा। पहले ही देख लीजिए कि होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, या इसको क्या बोल देते हो, गतिज ऊर्जा। अभी गतिज ऊर्जा होती क्या है, देखो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी कोई पार्टिकल या जब भी कोई वस्तु या जब भी कोई कण क्या करता है,
मूव करता है, मतलब जब भी कोई कण क्या करता है, चलने लगता है, तो चलने की वजह से जो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं या गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो एनर्जी मूव के कारण, मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और वो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर होती है, उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर से आप क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी को या ऊर्जा को दर्शाते हो। अब यहाँ पे एम क्या है, एम आपका है मास या फिर द्रव्यमान, और ये वी क्या है आपका, वेलोसिटी या फिर वेग आप इसको कह सकते हो। अब इसके ऊपर आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि कोई वस्तु मूव कर रही है, कोई वस्तु चल रही है और उसका मास आपको दे दिया 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम उस वस्तु का क्या दे रखा है, मास दे रखा है। और आपको वेग मान लीजिए, ये हमने सारा मानना है कि वेग हम कितना मान लेते हैं, मान लीजिए उसका वेग कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है, वेग का एसआई मात्रक है, तो वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको बोल क्या दिया, उसकी गतिज ऊर्जा निकालो, तो आप इसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी गतिज ऊर्जा, हाफ एम कितना दे रखा है आपको, गुना में 10, और वी कितना दे रखा है, 5, पर 5 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, मतलब 5 का यहाँ पे क्या कर दोगे, 5 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ गुना में 10। अब आपको पता है 5 की पावर 2 को कैसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं, 5 गुना में 5 कितना हो गया, ये 25, तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया 25, तो ये कितना आ गया, 2 5 जा 10, 125 आ गया आपका क्या, ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किस में दर्शाते हैं, हम जूल के अंदर। तो इस तरह की आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। दूसरी एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप इसको क्या बोल देते हो, स्थितिज ऊर्जा, क्या बोल देते हो, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है, जो एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। मतलब अगर आपने मान लीजिए आपको सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया और आपको लंच नहीं मिलता है, फिर भी आप क्या करते हो, आपका आके स्कूल का होमवर्क वगैरह सारा कर लेते हो, तो कुछ एनर्जी आपके अंदर होगी जिसकी वजह से आप काम कर रहे हो। वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, ये जो एनर्जी हमारे अंदर पहले से ही थी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मतलब m क्या आपका वही मास यानी द्रव्यमान, g क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसको आप क्या बोल देते हो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या आपका हाइट। इसके अंदर वैसे तो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे, पर आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी होती है अर्थ के सरफेस पे, यानी पृथ्वी के सतह पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर उसने जी की वैल्यू दे दी है आपको 10, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप जी की जगह 10 यूज़ कर सकते हो। अगर उसने आपको जी की वैल्यू 10 नहीं दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9.8 लेके ही न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, आप वीडियो के पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या थी हमारे पास, mgh, इसमें आपको क्या दे देगा, एम की वैल्यू दे देगा, एम यानी मास यानी द्रव्यमान, मास या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू दे दी मान लीजिए 5 किलोग्राम, क्लियर। उसके बाद जी की वैल्यू अगर इसने 10 मीटर पर सेकंड दी है तो गुड, अच्छी बात है, अगर नहीं दी तो आपको कितनी लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्या है, फिक्स है ये वैल्यू, मतलब ये चेंज नहीं होती, पृथ्वी के सतह पर ये वैल्यू फिक्स रहेगी। एच यानी हाइट, हाइट मान लेते हैं इसने कितनी दे दी, 10 मीटर हाइट दे दी, तो आपका जैसा कि फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या फॉर्मूला था, और आपको बोल दिया गया स्थितिज ऊर्जा निकालिए, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh, m कितना दे रखा है 5, g मान लेते हैं कितना दे रखा है एक बार 10, h कितनी ली है 10, तो 10 गुना में 10 100 गुना में 5 कितना हो जाएगी, 500 जूल आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल, तो 500 जूल क्या हो गई आपकी, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये था सारा आपका एनर्जी के बारे में, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने जितने भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखे हैं उनमें या तो क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कीजिए, स्थितिज ऊर्जा निकाल दिए, जब आपको एम दे रखा है, जब आपको जी भी दे रखा है 10, और एच दे रखा है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका एनर्जी वाला पार्ट खत्म हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने वर्क भी पढ़ लिया और हमने एनर्जी भी पढ़ ली, 2 पार्ट आपके इस मॉड्यूल के कंप्लीट हो गए हैं। अब रह क्या गया आपका, साउंड
और लाइट, ये दो पार्ट आपके रह गए हैं। और यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लाइट एंड साउंड हम आने वाली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो मेरी तो लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।